अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट किसी ऐप या किसी सॉफ्टवेयर के, या फिर कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐप आपको अपने एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सारे काम मैनुअली करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेट सपोज कोई भी नंबर आपको तंग कर रहा है या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को तंग कर रहा है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से लेंगे, तो इसका मैं आपको मैनुअली तरीका बताता हूँ। हमें क्या करना है, लेट सपोज देखिए मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप पे, वो मुझे थोड़ा डिफरेंट नंबर मुझे नज़र आया, तो मैंने ये देखिए ये एक नंबर है, ये नंबर देखिए ये मुझे मुझसे इन्होंने बात की, तो ये नंबर देखिए +974 का है, ये मेरे कंट्री का नंबर नहीं है, या आप भी समझते हो ये इंडिया के कंट्री का भी नंबर नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री का नंबर है। अब ये इनकी पिक्चर्स भी है, अब इनकी पिक्चर्स तो मेरे पास आ गए, लेट सपोज अब ये है कौन, इनका नाम क्या है, इसके बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से लेंगे इसके लिए ये मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपको। तो आपको जस्ट करना क्या है, आपको जस्ट ये करना है कि आप क्योंकि हर इंसान आजकल टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने इंफॉर्मेशन छोड़ ही जाता है। तो गाइस इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिना ऐप्स के किस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप सबसे पहले इसी नंबर को फेसबुक पे ट्राई करने करके कोशिश करते हैं, यानी तकरीबन हर शख्स का फेसबुक पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होता है। ज़्यादातर लोग जो है वो फेसबुक पे अपना अकाउंट अपने नंबर के थ्रू बना के भेजते हैं, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने फेसबुक अकाउंट में। फेसबुक अकाउंट में जाते हैं और वहाँ हमारे पास ऊपर होगी सर्च बार, उस सर्च बार में हम ये नंबर ऐड करेंगे, यानी इस सर्च बार में हम ये नंबर ऐड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर किसका है। तो ये नंबर देखिए मैंने पहले ही ऑलरेडी ट्राई करके रखा हुआ है, सर्च करके रखा हुआ है, मैं इस नंबर को क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ये नंबर अपना फेसबुक अकाउंट पे सर्च किया तो मुझे उनका नाम पता चल गया, उनका नाम हुसैन शाहिद है और ये नंबर जो है ये कतर का नंबर है। इसकी आप इसकी प्रोफाइल को ओपन करके आप इसकी डिटेल्स के बारे में भी आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जो उन्होंने दिए ये कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है ना स्टडी की है, डीजे सिंह से है, इसका जो है ना होम टाउन जो है वो कराची है और करंट सिटी दोहा, यानी दोहा कतर का एक सिटी है वहाँ की है। सो गाइज आपने जान लिया कि आपने किस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल कर दी व्हाट्सएप की। आप ये नंबर किस मैंने व्हाट्सएप से लिया, आपको कोई भी नंबर आपके कॉल करता है या एसएमएस करता है आप वो नंबर भी आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। सेकंड दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लेट सपोज उसका फेसबुक अकाउंट ही नहीं है, उसने फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं, तो फिर किस तरीके से पता चलेगा, फिर इस तरीके से पता चलेगा कि आप उसको सेव करें अपने मोबाइल में और उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप ऑन कर दें। तो आप अपने उस नंबर को जैसे आप अपने मोबाइल में सेव करेंगे तो अगर उसका व्हाट्सएप अकाउंट होगा तो व्हाट्सएप अकाउंट आपके पास आ जाएगा और आपको तस्वीर भी आ जाएगी उसकी और आप
उसे पहचान सकेंगे कि ये शख्स कौन है, या मैं जानता हूँ या नहीं इसको। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।